हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं HSCL यानी कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 62.40 पे। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 2855 करोड़ का, पीई रेशियो 60.13 पे, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पी के साथ, जो कि 16.96 पे है। इसके पहले भी हमने यहाँ पे HSCL को कवर किया था, जहाँ पे ब्रेकआउट के पहले हमने बताया था कि अगर हमारे यहाँ के जो लेवल है ये अगर टूटते तो उसके बाद बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट के साथ बड़े अपमूव के भी यहाँ पे टारगेट नजर आते हैं। और उसी के साथ देखिए, अगर आप HSCL का ग्राफ देखते हैं तो उसने यहाँ पे 85.95 के यहाँ पे हाई बनाया और उसके बाद यहाँ पे फिसलते हुए नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के हम फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं तो देखिए, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ पे घटते हुए 1693.51 करोड़ हो गया है। EBITDA अगर देखते हैं तो वो भी घटते हुए 144.97 करोड़। नेट इनकम अगर देखते हैं तो वो 47.49 पे आ गया है और EPS भी घटते हुए 1.13 पे नजर आ रहा है। अब इसी के साथ अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखा यहाँ पे जो इनके रिजल्ट है फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली देखते हैं तो मार्च 2021 से लेके अभी तक अगर हम देखें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है जून क्वार्टर के बाद, और अभी ये बढ़कर हो गए 776 करोड़ के। EBITDA भी इनका बढ़कर हो गया 48.30, नेट इनकम भी बढ़कर हो गया 24.33, EPS यहाँ पे 0.58 बढ़कर, यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है बहुत अच्छा यहाँ पे कंपनी जो है परफॉर्मेंस अपना दिखा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए, 45.43% जो है प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है, जीरो म्यूचुअल फंड, जीरो DII और FII यहाँ पे 1.66%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 52.92% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं HSCL के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे जो हाई बनाए थे ऑलमोस्ट इसके जो लेवल थे 195 के आसपास है, और उसके बाद जो स्टॉक है इसमें बहुत भारी गिरावट के साथ इसने जो लो बनाया था 27.71 का। और देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है यहाँ पे अप्रैल 2020 से लेके यहाँ तक यानी कि 2020 तक इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है। एक बॉक्स में ये जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा था जिसके ऊपर के जो लेवल थे वो थे 62 के और नीचे का जो हमारा सपोर्ट था वो था 42 का, और उसी रेंज में ये जो स्टॉक है इसने बहुत लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है और इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसने 85.95 के यहाँ पे टारगेट भी अचीव किए हैं। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे इसने इन्वर्टेड पिन बार यहाँ पे कैंडलस्टिक बनाई है, यानी कि ऊपर का जो लेवल है यहाँ से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ या फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और इसीलिए ये जो कैंडल है ये बनने के बाद कंटिन्यूअसली जो स्टॉक है यहाँ पे नीचे की तरफ फिसलते हुए अभी इसने 62.40 की लेटेस्ट क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एक ब्रेकआउट हो गया था ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है अब यहाँ पे ये काम करेगा एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरह। ऑलरेडी इसका जो ब्रेकआउट हुआ था बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ था, अब हम लोग एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के साथ हमारे लिए अभी 20 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे सपोर्ट है। लेकिन जिस तरीके से अगर वीकली चार्ट में आप देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनते हुए ये जो गिरावट दिखाई दे रही है, क्या यह आगे कंटिन्यू हो सकती है? तो देखिए अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए वीकली चार्ट पे जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे जो बॉक्स है बॉक्स का ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। तो अगर आने वाले सेशन में ये जो स्टॉक है 62.40 के लेवल अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 68 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। अगर ये स्टॉक 68 के जो लेवल है यहाँ पे सस्टेन करता है तो ही उसके बाद हम यहाँ पे 76 से लेके 80 के टारगेट के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनी है अगर ये हमारा सपोर्ट यहाँ पे अगर टूट जाता है तो नीचे के लेवल हमें यहाँ पे 50 के लेवल भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है हो सकता है यहाँ से फिर से पुल बैक दे। लेकिन अगर यहाँ पे 68 के लेवल अगर हमारे सस्टेन नहीं होते हैं तो फिर से ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ सकता है। अब यहाँ पे हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे डेली चार्ट में जिस तरीके की यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाती हूँ तो देखिए जिस तरीके की ये ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए स्टॉक जो है नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। अब जो नए इन्वेस्टर है उनको अगर यहाँ पे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए कौन से सपोर्ट लेवल है या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन से लेवल पे बाइंग
करना चाहिए। तो देखिए अगर ये लेवल जो है हमारा 62 का सपोर्ट लेवल, ये अगर टूट जाता है तो उसके बाद ये स्टॉक फिसलते हुए 50 के आसपास आ सकता है, जो कि बहुत अच्छी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे हमें देखना है अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ से फिर से पुल बैक देते हुए हमारे लिए जो स्टॉक है ये यहाँ पे 62 के आसपास यहाँ पे टारगेट अचीव करते हुए नजर आ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अगर हमारा सपोर्ट टूट गया तो और यहाँ पे नीचे की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए 50 के आसपास आ गया तो सेम जो सपोर्ट है हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो स्टॉक के लिए ये भाव यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है फिर से इसका ब्रेकआउट देते हुए यहाँ पे अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू करना। तो देखिए हमारे लिए मेजर जो हमारा रेजिस्टेंस है ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 68 के लेवल यहाँ पे सस्टेन करता है तो ही उसके बाद हम यहाँ पे 76 से लेके 80 के बारे में सोच सकते हैं। नीचे के लेवल यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, जैसे 3 से 4 साल तक आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो एक लेवल रहेगा जहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं वो रहेगा यहाँ पे 50 से लेके 45 के रेंज में। अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पे मिलता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमारे लिए जो सपोर्ट है वो रहेगा यहाँ पे 42 का, क्योंकि इसके पहले भी अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे जो स्टॉक है इसने बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा है। पिछले 2 साल से ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन एक रेंज में ही यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहा है। जब तक ये हमारे लिए सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक हमें टेंशन की कोई बात नहीं। अगर ये स्टॉक नीचे के लेवल पे आज दिखाता भी है तो यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक देते हुए ये अपनी अपट्रेंड जर्नी जो है कंटिन्यू कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे हाई बनाए थे 195 के, और उसके बाद ये जो स्टॉक है फिसलते हुए नीचे आया, इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल का यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और इसका ब्रेकआउट दिया। अब अगर नीचे की लेवल यहाँ पे दिखाता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन अगर बनाता है तो यहाँ पे मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है यहाँ पे 90 से लेकर 100 के लेवल अचीव करते हुए दिखाई दे सकता है। हमारे लिए सपोर्ट जो है यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये जरूर रहेगा। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।